बच्चों, तुम अपने आसपास बहुत सी चीजें देखते हो, जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा, ये पत्थर का टुकड़ा, शक्कर और ऐसी बहुत सी चीजें। ये सब ठोस पदार्थ है। पदार्थ की एक और अवस्था भी होती है जिसे हम द्रव अवस्था कहते हैं, जैसे ये पानी या दूध, तेल, ऐसी चीजें द्रव अवस्था में आती हैं। एक तीसरी अवस्था पदार्थ की है जिसे हम गैसीय अवस्था कहते हैं। इस गैसों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम दूषित वायु भी कहते हैं, जो वायु में मिल जाती है तो उसे दूषित कर देती है, इसके अलावा अमोनिया और क्लोरीन गैस। इस प्रकार पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सामान्य प्रक्रिया यह है कि हम ठोस को ऊष्मा देकर द्रव में और अधिक ऊष्मा देकर द्रव को वाष्प यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पदार्थों की ये अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस ऊष्मा द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती हैं। इस सामान्य प्रक्रिया के विपरीत कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिन्हें ठोस अवस्था में हम सीधे गर्म करके वाष्प के रूप में ला सकते हैं, यानी वे ठोस पदार्थ से ऊष्मा द्वारा बिना द्रवित हुए गैसीय अवस्था में लाए जा सकते हैं। ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ कहते हैं और ये प्रक्रिया विज्ञान की भाषा में ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अंग्रेजी में इसी को हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले तुमको एक प्रयोग द्वारा ये दिखा रहे हैं कि ठोस किस तरीके से ऊष्मा द्वारा द्रव में और फिर द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है। ठोस के रूप में हमने एक पदार्थ ले रखा है बर्फ, कि जल को यदि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा कर दिया जाए तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये जल की ठोस अवस्था है। अब हम इस ठोस बर्फ को वातावरण में यूं ही रख देते हैं। देखिए क्या होगा, ये वातावरण की ऊष्मा लेकर धीरे धीरे पिघल कर जल अर्थात द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, ये ठोस धीरे धीरे देखिए पिघल कर पानी के रूप में आ रहा है। यदि इस बने हुए पानी को हम और अधिक ऊष्मा दें तो इसे भाप में अर्थात गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए इसको करके देखते हैं। अब हम इस पानी को एक परख नली में गर्म करते हैं, देखिए क्या होता है। इस परख नली को हमने एक कागज से पकड़ लिया है ताकि गर्म हो, बाद में गर्म न लगे। देखिए पानी का कुछ भाग हमने इसमें ले लिया है। अब हम इसको गर्म करेंगे स्पीड लैंप पर। देखिए स्पीड लैंप पर ही गर्म हो रहा है। बर्फ के रूप में ये पानी ठोस अवस्था में था, जब धीरे धीरे पिघल कर पानी हो गया। अब पानी को हम और अधिक ऊष्मा दे रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे वाष्पित होना शुरू हो रहा है। देखिए आपको भाप जो है परख नली से दिखाई दे रही है, ये इस जल की गैसीय अवस्था है। इस प्रयोग को आपने देखा है। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे इस प्रयोग से, कि बर्फ जल का ठोस रूप है, जब इसे ऊष्मा मिलती है तो पहले बर्फ पिघलकर द्रव के रूप में आती है और अधिक ऊष्मा देकर यह भाप में परिवर्तित हो जाती है, जो जल की गैसीय अवस्था है। इसका मतलब यह हुआ कि पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, और हम इनका ऊष्मा द्वारा अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो हुई सामान्य प्रक्रिया की बात। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ठोस से गर्म किए जाने पर बिना द्रवित हुए गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ कहते हैं।
और इस प्रक्रिया को विज्ञान में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अंग्रेजी में यही प्रक्रिया सब्लिमेशन कहलाती है। अब देखो बच्चों, हम कुछ ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ के प्रयोग करके तुमको दिखाते हैं। ये हमारे हाथ में कपूर है, ये भी ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है। देखो इसको गर्म करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। ऊर्ध्वपातनशील कपूर है, इसको हमने एक चम्मच में रखकर गर्म किया। आपको इसकी वाष्प निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस वाष्प को हम एकत्र करके ठंडा कर लें तो हमें फिर से ठोस कपूर प्राप्त हो सकता है। ये भी एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ का उदाहरण है, जो गर्म किए जाने पर ठोस से बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो गया। अब आपको हम एक दूसरा प्रयोग दिखाने जा रहे हैं, वो भी ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है। अब देखिए, फिनाइल का टुकड़ा हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम कुछ पानी परख नली में मिलाते हैं। और इसको हम अब गर्म कर रहे हैं। आप परिवर्तन को स्वयं देखिए कि कैसे ये परिवर्तित हो रहा है। ये ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ जो परख नली में पानी में हमने लिया है, ये फिनाइल की गोली या नेप्थलीन, इसको हम गर्म कर रहे हैं और आप देखिए इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। सारा का सारा इसकी वाष्प पानी में घुल गई है, अब ठोस आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम इसको गर्म करना बंद कर देते हैं और देखिए थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के लिए हम इसको टेस्ट ट्यूब को, परख नली को हमने पानी के अंदर रख दिया। अब जैसे जैसे ये ठंडा होगा, ये फिर से अपनी ठोस अवस्था में वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना द्रवित हुए वाष्पित होता है, और जैसा कि आपने इसमें देखा कि वाष्प ठंडी होकर बिना द्रवित हुए पुनः ठोस रूप में आ जाती है। इस परख नली में आप देख रहे हैं कि जैसे ठोस को लेकर हमने गर्म किया था, धीरे धीरे ये उसी ठोस रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। अब ऐसा ही एक और उदाहरण है आयोडीन, ये भी ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है। आइए इसको भी प्रयोग के रूप में देखते हैं कि गर्म करने पर क्या ये ठोस सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इस परख नली में हमने एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ आयोडीन की कुछ मात्रा जो है ले रहे हैं और इसको भी हम गर्म करते हैं। देख रहे हैं गर्म होने से बैंगनी रंग की वाष्प निकल रही है। ये ठोस पूरा, ये देखिए बैंगनी रंग की वाष्प से निकलना शुरू हो गई। देखिए फिर से गर्म करते हैं, आप वाष्प देखिएगा। इस प्रयोग से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि ऊर्ध्वपातनशील ठोस पदार्थ को गर्म करने से वो बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है, और ठंडे किए जाने पर वाष्प बिना द्रवित हुए फिर से ठोस रूप में आ जाती है। ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। आइए देखते हैं कि वाष्प बिना द्रवित हुए क्या ठंडा होने पर ठोस में बदलती है। इसके लिए हम एक प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। हमने ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ आयोडीन को एक प्याली में, पोर्सिलिन प्याली में ले रखा है। यह आयोडीन जो हमने तुम्हें पहले दिखाया था कि गर्म किए जाने पर सीधे बैंगनी रंग की वाष्प में परिवर्तित हो गई थी, अब इसको हमने पोर्सिलिन प्याली में ले रखा है और इसके बाद हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए हम एक ट्राईपॉड स्टैंड और एक स्प्रिट लैम्प का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो हमने इसको गर्म करने के लिए ट्राइपॉड स्टैंड पर रख दिया। इसकी वाष्प को निकलने के लिए हमने फिल्टर पत्र को छिद्रित कर दिया, उसमें छेद कर दिए हैं ताकि इसकी वाष्प आसानी से निकल जाए। अगर इसकी वाष्प फिल्टर पत्र पर ही ठंडी हो जाएगी तो वहीं आपको बैंगनी रंग दिखाई देगा,
और अगर वाष्प ऊपर जाकर के फनल में ठंडी होगी तो फनल में आपको वो ठोस रूप में जमी हुई दिखाई देगी। पहले हमने फनल को का जो छिद्र है ऊपरी भाग उसको हमने बंद कर दिया है, सील कर दिया है, और इसके बाद फनल को ठंडा रखने के लिए फनल पे प्याली पर उल्टी रख दी है, और फनल को ठंडा करने के लिए हमने इसको ठंडे पानी में भिगो कर एक फिल्टर पत्र इसके ऊपर लगा दिया है ताकि फनल जो है ठंडी बनी रहे। अब देखो इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसकी वाष्प निकलेगी और वाष्प छिद्रित फिल्टर पत्र से फनल तक पहुंचेगी और फनल में इसकी वाष्प ठंडी होकर फिर से बिना द्रवित हुए ठोस अवस्था में आ जाएगी। आयोडीन की वाष्प जो निकल करके इस फनल में पहुंच रही है इसकी के किनारों पर ठंडी होकर ठोस आयोडीन के रूप में चिपक गई है। तो बच्चों आज के प्रयोग में सूत्र देखा कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस के रूप में वो बर्फ के रूप में मिलता है, द्रव के रूप में पानी के रूप में, और भाप के रूप में गैसीय अवस्था के रूप में मिलता है। तो बच्चों ऊर्ध्वपातन वो क्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रवित हुए वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और यदि उनसे निकली हुई वाष्प को पुनः ठंडा किया जाए तो वो वाष्प बिना द्रव में आए सीधे ठोस रूप में बदल जाती है।